Now, I'd like to start off with Khalid Bhatti Saab and ask you that, Khalid Saab, in the area of personal accountability for senior management, terrorist financing, and whistleblower protection. You know, there's a lot of discussion on this, and there's some movement forward. In the regulatory framework, do we expect to see some changes happening to cover these areas? पहले तो मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा मेरा गला सेट नहीं है और टाइम भी बिल्कुल एंड का है आपका और राग भी दरबारी है ना रेगुलेटर की तरफ से है तो राग दरबारी है मगर कोशिश करते हैं असल में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है साइबर के ऊपर और एएमएल पे ना तो मैंने रिक्वेस्ट की थी जो नई वेव चल रही है इसके एएमएल के एरिया में वो है इस वक्त बात हो रही है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट और वो बात कर रहे हैं जेल की हद तक कि मतलब वो कहते हैं कि आई मीन वी कैन टेक देम टू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और ये रियलिटी हमारे पास तो नहीं पहुंची अभी मगर रेगुलेटर से अवेयर है और हम अपनी जितनी भी रेगुलेटरी रिजिम है उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ओनस उस हद तक रहे कि कोई मटेरियल बेनिफिट ड्राइव ना हो अगर मटेरियल बेनिफिट ड्राइव हुआ है और इंटेंशनल नेग्लिजेंस है तो उसकी क्रिमिनल साइड तो नहीं है लेकिन हमारी कोशिश है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में बैंक्स की अपनी ओन जो पॉलिसीज है जो अपना ओन प्रोसीजर है उसके थ्रू हम उसको टैकल करें और इसके ऊपर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं दूसरी चीज़ तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद जो विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ना उस पे हमारा फोकस है कि विसल ब्लोअर जब तक विसल ब्लोइंग नहीं कर सकता जब तक उसको वही प्रोटेक्शन हासिल ना हो जो विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में है तो ये दो चीज़ें मैं फोकस करूँगा ठीक है